अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रजिया। आज हम आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं छोला भटूरा की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब बनती है, आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ हम आप लोगों के लिए फूले फूले भटूरे भी बनाएंगे, तो आप लोग ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम 1/2 kg काबुली चना लिए हैं। इसको हम 6 घंटे के लिए भिगा कर रख दिए थे, ये अच्छे से फूल गया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, बस इतना हमको पानी ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं। चने के ऊपर 1 इंच पानी ऊपर है और अच्छे से चना डूब गया है। इसमें हम नमक डाल रहे हैं, 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और इसको हम रख देंगे 3 सीटी आने के लिए। चने को हम 3 प्रेशर आने तक बॉईल कर लिए हैं और चना हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, देखिए। और एक पैन चढ़ा दिए हैं, पानी उसमें बॉईल होने लगा है। इसमें हम 1 चम्मच चाय की पत्ती ऐड करेंगे, इसका कलर चने में बहुत अच्छा आएगा। तो इसको हम रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, अच्छे से बॉईल हो जाएगी चाय की पत्ती, फिर इसको हम छान लेंगे। बनाने के लिए हम एक मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए हम जीरा लिए हैं, 1 गोल मिर्च है, ये सूखा धनिया है, ये सूखी लाल मिर्च है। इसको हम रोस्ट करेंगे खुशबू आने तक, फिर इसको हम दरदरा पाउडर बना लेंगे। और ये 3 टमाटर है, इसको हम पेस्ट बनाएंगे, इसको पीसना है हमको। और ये प्याज है, 3 प्याज है, इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे, अलग अलग पेस्ट हमको बनाना है। ये देखिए हम पैन चढ़ा दिए हैं, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, ये जीरा है और ये तेज पत्ता है, इसका फ्लेवर छोले में बहुत अच्छा आएगा। तो इसको हम भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, अच्छे से जीरा हमारा चटक जाए। इसको हम भून लेंगे सीलो फ्लेम पे। जीरे को 2 मिनट के लिए भून लिए हैं। अब इसमें हम प्याज का पेस्ट डाल देंगे, जो प्याज जो हम पीस कर रखे थे इसको हम डाल देंगे और इसको हम 3 मिनट तक भूनेंगे, अच्छे से खुशबू आने तक इसको हमको भूनना है। गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे और इसको हम चलाते हुए भूनेंगे, 3 मिनट के लिए भून लेंगे। 3 मिनट के लिए प्याज को हम भून लिए हैं और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको भी इसी के साथ में भून लेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म होने तक इसको हम भूनेंगे। 3 मिनट तक इसको भी हम भूनेंगे, इसको भी हम 3 से 4 मिनट के लिए भून लिए हैं। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है और ये भून चुका है। अब इसी के अंदर हम पेस्ट डाल देंगे, टमाटर जो हम पीस के रखे थे, अब इसको भी हम भून लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। इसको हम चलाते हुए भूनेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम कश्मीरी मिर्च डालेंगे, एक कश्मीरी मिर्च है, इससे कलर अच्छा आएगा हमारे छोले में, बहुत अच्छा कलर आएगा। अब इसको भी हम मिक्स कर लेंगे, पहले भी हम 4 मिर्ची डाले थे, इसमें हम और मिर्ची नहीं ऐड करेंगे, इससे अच्छा कलर भी आ जाएगा और तीखा भी हो जाएगा, क्योंकि हम पहले भी 4 मिर्ची डाल चुके हैं। अब इसको हम सीलो फ्लेम पे भूनते रहेंगे 5 से 6 मिनट तक, इसका कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाए। और इसको हम चलाते हुए पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे, हम हाथ को बंद नहीं करेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए भून लिए हैं और इसको हम जो दरदरा पाउडर भून कर बनाए थे ना, इसको भी हम डाल देंगे और थोड़ा सा हम बाद में डालेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। छोला मसाला है, इसको भी हम ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बढ़ जाएगा। इसमें छोला मसाला हम ऐड कर रहे हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा पड़ जाएगा और आप लोग भी इसको ज़रूर ऐड करिएगा। छोला मसाला हम 1/2 पैकेट डाल रहे हैं। अब इसको हम मिक्स कर देंगे और इसको हम और भी 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। टोटल हमको 10 से 12 मिनट तक हमको भूनना है, ये अच्छे से भून जाए, फिर हम अगला प्रोसेस आपको दिखाएंगे। ये देखिए 12 से 13 मिनट के लिए मसाले को हम भून लिए हैं, एकदम अच्छा से मसाला भून गया है। ये देखिए दाने जैसा मसाला हो गया है, तो मसाले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें हम चने को ट्रांसफ़र कर देंगे, जो बॉईल करके हम रखे हैं। अब चने को हम पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए हैं और ये चाय की पत्ती का पानी है जो बॉईल किए थे, इसको हम छान कर ले लिए हैं। अब इसको हम मिक्स कर देंगे, अच्छे से इसको मिक्स करके हमको पकाना है 10 से 12 मिनट के लिए, इसको हम और भी पकाएंगे। और इसमें हम थोड़ा नमक और ऐड करेंगे, पहले हम नमक ऐड किए थे छोले में, अब नमक इसमें हमको अपने हिसाब से ऐड करना है, आप लोग अपने हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं, थोड़ा ही हम ऐड करेंगे। ये देखिए इतना हम ऐड कर रहे हैं नमक, पहले भी हम 1.5 चम्मच ऐड किए हैं। अब इसको हम मिक्स कर देंगे और इसको हम सीलो फ्लेम पर पकने देंगे। अब एक तरफ हम भटूरा बनाएंगे, हम भटूरे को भी बना रहे हैं इसके साथ साथ। अब इसमें हम लीड लगा देंगे, गैस की फ्लेम को हम सीलो कर देंगे।
और इसको पकने देंगे कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। और भटूरा हम बनाएंगे, भटूरे के लिए हम 1 kg आटा लिए हैं और इसको हम भटूरा बनाएंगे। ये भटूरा बहुत अच्छा फुला फुला बनेगा हमारे तरीके से आप लोग बनाएंगे तो। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, बीच में ऐसे एक खड्डा कर देंगे हम, और इसमें दही हम डाल रहे हैं। दही से भटूरे में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा दही हमारी हल्की सी खट्टी है, आप लोग भी इसी तरीके से ले लीजिएगा दही। और एक शक्कर है 1 चम्मच, इसको हम ऐड करेंगे। और ये तेल है और ये है मीठा सोडा, इसको हम डालेंगे तो भटूरा हमारा बहुत फुला फुला बनेगा। अब इसको हम सारी चीज़ को मिक्स कर देंगे, फिर थोड़ा थोड़ा हम पानी डालकर इसको गूंथेंगे आटे को। हमको सारी चीज़ पहले मिक्स कर लेना है। देखिए सारी चीज़ को हम मिक्स कर लिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें, जैसे रोटी का आटा गूंथते हैं ना वैसे ही रोटी का आटा गूंथना है हमको, थोड़ा सा उससे सख्त हमको रखना है। बस इसी तरीके से हम आटे को गूंथ लेंगे, फिर हम आपसे 5 मिनट के बाद। ये देखिए आटे को हम गूंथ लिए हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब इसको हम रख देंगे 1 घंटे के लिए रेस्ट पे। ये अच्छे से आटा हमारा और भी फूल जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। आटा हमारा अच्छे से गूंथ गया है, 1 घंटे के लिए हम रेस्ट पे रखेंगे। एक तरफ हम आटे को देख लेते हैं, आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसको हम मसल लेंगे, इसको हम 5 मिनट के लिए और गूंथ लेंगे अच्छे से, आटा और भी सॉफ्ट हो जाए। फिर इसको हम बेलेंगे। ये देखिए आटा हमारा सॉफ्ट हो चुका है, ये कैसा क्रैक जैसा आ रहा है ना आटे में, तो ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे हमको इसको करना है, ऐसे खींचना है आटे को, ऐसे ऐसे करके हमको मसलना है। ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ऐसे खींच कर इसको मसलना है। बस 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम और करेंगे। ये हम कर चुके हैं स्टेप, आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये देखिए आटा हमारा हो चुका है। अब इसकी हम लोई तोड़ेंगे और लोई को ऐसे करना है हमको। ये देखिए ऐसे ऐसे, ये देखिए ये स्टेप करना है। और बस ऐसे हमको लोई बना लेना है। इसी तरीके से हम सारी लोई बना लेंगे, फिर हम भटूरे को बेलेंगे। ये देखिए इतनी बड़ी हम बनाएंगे, थोड़ा बड़ा भटूरा हम बनाएंगे तो देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी तो बहुत अच्छा लगता है। ये बस ऐसे हमको करना है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को और भी कोई रेसिपी चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, इंशाल्लाह हम ज़रूर बनाएंगे आप लोगों के लिए। बस इसी तरीके से हम सारी लोई को रेडी कर लेंगे। ये देखिए इतनी सारी लोइयाँ हम बना लिए हैं। अब इसको हम बेल लेंगे, सूखा आटा हम लगाएंगे। अब इसको हम बेल लेंगे, ऐसे हम बनाएंगे लोई को। ये देखिए ये इजीली ऐसे बन जाता है। अब इसको हम बेल लेंगे। आप लोग अपने हिसाब से छोटा बड़ा भटूरा बना सकते हैं, हम थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ये देखिए इसको हमको ऐसे बेल लेना है, ये इजीली बेल जाएगा। थोड़ा सूखा आटा हम और लगाएंगे, हल्का ही लगाना है हमको, ज़्यादा नहीं लगाना है। ऐसे हम सारे भटूरे को बेल लेंगे एक साथ में, फिर हम फ्राई करेंगे। हम एक साथ में ही सारे भटूरे को बेलेंगे, आप लोग अपने हिसाब से बेल सकते हैं। हम इसको पूनम आटे में बनाए हैं। ये पूनम आटा और भी अच्छा होता है, हेल्दी होता है, मैदे से अच्छा होता है। ये मैदा ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, तो इसके लिए हम मैदे में नहीं बना रहे हैं, ये पूनम आटे में बना रहे हैं। आप लोग कोई भी किराने शॉप पे जाएंगे ना तो मिल जाएगा इजीली। ये देखिए इतना बड़ा भटूरा हम बनाएंगे। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब इसी तरह हम सारे भटूरे को बेल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भटूरा कितना अच्छा, इतना खूबसूरती से बेला हुआ है, ये बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ है। सारे भटूरे को हम बेल चुके हैं, अब इसको हम फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब एक एक भटूरे को हम फ्राई करेंगे। देखिए ऐसे हम प्रेस करेंगे ऊपर और ये भटूरा हमारा अच्छे से फूल जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा फूल रहा है। ये देखिए बस ऐसे हमको करना है और ये भटूरा अच्छे से फूल जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है देखने में। इसी तरीके से हम सारे भटूरे को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। अब दूसरा भटूरा हम डालेंगे, अब इसको भी उसी तरीके से हम फ्राई करेंगे। ये देखिए बस ऊपर हम प्रेस करेंगे बीच में और ये अच्छे से भटूरा फूल जाएगा। ये देखिए
कितना अच्छे से माशाल्लाह फूल रहा है। अब इसको हम पलट देंगे। बस ऐसे हमको भटूरे को सारा फ्राई कर देंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे। इसको फ्राई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 3 मिनट में ये फ्राई हो जाता है। ये देखिए माशाल्लाह हमारे छोले बनकर रेडी हो गए हैं। खुशबू इसमें से बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे। ये बहुत अच्छे हमारे छोले बनकर रेडी हुए हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें हम थोड़ा सा अदरक है कट करके लंबे लंबे पीस में, इसे हम डेकोरेट कर देंगे। और मुँह में जब अदरक आती है तो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए हमारे भटूरे माशाल्लाह कितने अच्छे हैं, बहुत अच्छे भटूरे हमारे बने हैं। हमारी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।